नमस्कार दोस्तों, लता मंगेशकर हेल्थ अपडेट। जी हाँ दोस्तों, लगातार सुधर रही है हालत, लेकिन अभी भी आईसीयू में है। जी हाँ दोस्तों, क्या कारण है बता दें कि लेजेंड सिंगर लता मंगेशकर पिछले 18 दिन से मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में आईसीयू में ही भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि डॉक्टर प्रतिदान समदानी ने बताया है कि उनकी सेहत में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, अभी भी अंडर ऑब्जर्व में भी है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए उन्हें कुछ दिनों के लिए आईसीयू में रखा जाएगा। डॉक्टर ने फ्रेंड्स से उनके जल्द ठीक होने के लिए कामना और प्रार्थना करने को कहा है। उनके एक फैमिली फ्रेंड ने बताया है कि उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला, वहीं अब जल्दी ही ठीक होने की कामनाएं कर रही हैं। बता दें कि उन्होंने कहा है कि लता दीदी की तबीयत पहले से सुधर गई है। जी हां दोस्तों, डॉक्टर समाधानी अपनी टीम उनके साथ उनके इलाज करने में जुटी हुई है। जी हां दोस्तों, हम उनके जल्द ठीक होने के और घर वापस लौटने की प्रार्थना कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, बता दें कि लता की जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 8 जनवरी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। उन्हें कोरोना के साथ निमोनिया भी हुआ था। 92 साल की लता मंगेशकर को कोरोना होने के बाद 11 जनवरी को सबके सामने आई थी यह रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, बता दें कि आपको यह खबर जानकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।